दिस अकाउंट कांट यूज व्हाट्सएप। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपने व्हाट्सएप पे ये प्रॉब्लम आ रही है और यहाँ पे आपका व्हाट्सएप जो है बैन कर दिया गया है, और इसके बाद में जब भी आपने अनबैन के लिए रिक्वेस्ट भेजा तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो भी वहाँ पे डिनाई कर दिया गया, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है, और यहाँ पे आप अपने व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और लिख के आ रहा है कि रजिस्टर न्यू नंबर, यानी न्यू नंबर से आप जो यहाँ पे आप रजिस्टर करिए क्योंकि आप जो है उस नंबर से व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर सकते। तो आखिर में ये प्रॉब्लम क्यों आती है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, सारा कुछ आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। यहाँ पे गाइस ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि कई बार हम जो है व्हाट्सएप की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसको हम वायलेट करते हैं। अब हमको नहीं पता कि भाई व्हाट्सएप की हम कौन सी पॉलिसी का जो है वायलेशन कर रहे हैं, और हम जाने अनजाने में जो है ऐसी गलती कर देते हैं और उसके बाद में व्हाट्सएप जो है हमारा अकाउंट को बैन कर देता है। तो अब काफ़ी लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि भाई हमारा अकाउंट आखिर में बैन क्यों किया गया। तो अकाउंट बैन होने के गाइस कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप पे कई बार स्कैम करते हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं, किसी को ब्लैकमेल करते हैं। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं, अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं व्हाट्सएप पे जिससे किसी यूज़र की प्राइवेसी सिक्योरिटी का जो है एक तरह से मान लीजिए जो रिस्क होता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि भाई आप कोई भी ऐसी गलत चीज़ नहीं कर रहे, कुछ इलीगल चीज़ नहीं कर रहे, लेकिन आप जो है अलग अलग व्हाट्सएप के मॉडर्न वर्जन को यूज़ कर रहे हैं, जैसा GB व्हाट्सएप हुआ, FM व्हाट्सएप हुआ, पता नहीं क्या क्या, मतलब पिंक ब्लू व्हाट्सएप, पिंक व्हाट्सएप, क्या क्या चल रहा है मुझे तो पता भी नहीं यार। इतने सारे जो है व्हाट्सएप के मॉडर्न वर्जन बन गए हैं, बस उसमें आपको जो है कस्टमाइजेशन को दिया जाता है भर भर के, ताकि आप लोग जो है उससे अट्रैक्ट हों। कभी होता है कि भाई नेविगेशन बार को चेंज कर लें, कभी होता है कि भाई आप जो है डुअल टिक हाइड कर लें, मतलब इतना सारी चीज़ें आपको तरह तरह का दिखाया जाता है जिससे आप जो है उन व्हाट्सएप को यूज़ करने लगते हैं। और अगर आप कोई ऐसा व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट जो व्हाट्सएप कभी भी बैन कर सकता है। अब यहाँ पे गाइज इसको अनबैन करने के लिए गाइज आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना होगा व्हाट्सएप अनबैन अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप अनबैन अकाउंट आपको लिखना है। अगर आपको लगता है कि व्हाट्सएप की आपने किसी भी पॉलिसी को वायलेट नहीं किया है तो आप इसको एक बार रिव्यू के लिए भेज सकते हैं व्हाट्सएप टीम को। तो यहाँ पे जैसे गाइज आप क्रोम पे ये लिखेंगे तो आपको अकाउंट बैन यहाँ पे आ जाएगा, अबाउट अकाउंट बैन्स व्हाट्सएप हेल्प सेंटर। इसके बाद में गाइज इस पे आपको इस वेबसाइट पे आपको चले जाना है। अब जैसे गाइज आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्सएप अकाउंट बैन के बारे में जानकारी। यहाँ पे गाइज आपका व्हाट्सएप अकाउंट अगर बैन हुआ है तो यहाँ से आप जो है रिव्यू में भेज सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप हमारी जो है अकाउंट एक्टिविटी से हमारी सेवाओं या शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं तो हम जो है आपको बैन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप अकाउंट पे स्कैम करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, तो व्हाट्सएप की यूजर्स की जो सुरक्षा होती है वो यहाँ पे खतरे में आती है आपकी वजह से, तो व्हाट्सएप आपका अकाउंट बैन कर सकता है। साथ ही साथ कोई भी अगर व्हाट्सएप का मॉडर्न वर्जन भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें भी आपका अकाउंट जो है बैन हो जाएगा। इसलिए कोई भी व्हाट्सएप का मॉडर्न वर्जन थर्ड पार्टी ऐप यूज़ ना करें, व्हाट्सएप का ऑफिशियल जो है वर्जन वही यूज़ करें। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपको लगता है कि गलती हमारी तरफ से हुई है, आपने कोई गलती नहीं की है, तो आप जो है हमें ईमेल करें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम आपके अकाउंट को एक बार रिव्यू करेंगे। अगर हमें लगता है कि हाँ मेरी वजह से मेरी तरफ से गलती हुई है, गलती से आपका अकाउंट बैन हुआ है, तो आपके अकाउंट को अनबैन कर दिया जाएगा। तो हमें ईमेल करें वाले ऑप्शन पे जाना है आपको, व्हाट्सएप टीम से संपर्क करें। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, व्हाट्सएप मैसेंजर सपोर्ट, दूसरा है व्हाट्सएप बिजनेस सपोर्ट। अब अगर आपका अकाउंट व्हाट्सएप बिजनेस पे था तो बिजनेस पे जाना है, अगर आपका अकाउंट जो है व्हाट्सएप मैसेंजर पे था तो मैसेंजर वाले पे हमसे संपर्क करें वाले ऑप्शन पे चले जाना है। तो मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेंजर पे है तो मैं व्हाट्सएप मैसेंजर पे जाऊँगा। इसके बाद में गाइज यहाँ पे क्या करना है, फ़ोन नंबर आपको डाल देना है। फ़ोन नंबर में अपना जो भी आपका नंबर बैन है, जो भी बैंड हुआ है वो नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। ईमेल एड्रेस को भी डाल देना जिससे आपसे फ्यूचर में व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सके, और ईमेल एड्रेस को कन्फर्म कर दीजिएगा वन टाइम। व्हाट्सएप आप किस पे यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड, आईफोन, वेब या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, का iOS है, जिस पे भी यूज़ कर रहे हैं उसको टिक लगा देना। इसके बाद में यहाँ पे गाइज आपको जो है व्हाट्सएप के बारे में जो है अपना मैसेज जो है टाइप करना है। मैसेज टाइप करके गाइज आपको यहाँ पे जो है अगला स्टेप पे जाना है और आपका जो है यहाँ पे फीडबैक जो है व्हाट्सएप टीम को चला जाएगा। तो यहाँ पे मैसेज में जो मैं टाइप कर रहा हूँ गाइज वही आपको टाइप करना है। जो चीज़ें मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे गाइज आपको लिखना है डियर, और इसके बाद में लिखना है व्हाट्सएप टीम। यहाँ पे लिखना है डियर व्हाट्सएप टीम, आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, और इसके बाद में सेंस लगाना है, और यहाँ पे आप जितने साल से जितने टाइम से मतलब व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं वो लिख देना। अगर आप 2 years से कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे तो मैं यहाँ पे 2 years लिख दिया हूँ। एंड इसके बाद में एंड लगाना है, आई नो एवरी, और इसके बाद में लिखना है पॉलिसी ऑफ व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेंजर, और यहाँ पे इसके बाद में लिखना है एंड आई बिलीव आई नेवर
और इसके बाद में वायलेटेड, यहाँ पे आपको जो है आई नेवर वायलेटेड, और इसके बाद में आपको लिखना है एनी व्हाट्सएप, और इसके बाद में पॉलिसी, ठीक है। इसके बाद में लिखना है बट व्हाट्सएप बैंड मी, ठीक है, फॉर यूजिंग, और इसके बाद में व्हाट्सएप सर्विसेज, या आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे ये मत लिखिए, बट व्हाट्सएप बैंड माई नंबर सीधे लिख सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप बैंड माई नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा प्लीज़, और इसके बाद में चेक माई और अकाउंट अगेन, ठीक है, एंड ओपन या अनबैन, जो भी आप लिखना चाहें, अनबैन इट, ठीक है। आपको बस इतना लिख देना है कि भाई हम जो है व्हाट्सएप की पॉलिसी को सबको जानते हैं अच्छे से, मैंने कोई ऐसा वायलेट जो है वायलेशन नहीं किया है, और जो है ये व्हाट्सएप आप मेरा अकाउंट फिर से चेक करें और इसको अनबैन करें। इसके बाद में थैंक्स लिखना है, उसके बाद में बैंड नंबर आप नीचे डाल दीजिएगा, अपना फ़ोन नंबर एक बार फिर से डाल दीजिएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे रिव्यू को भेज देना, रिव्यू में भेज देना अपना अकाउंट। अगर व्हाट्सएप टीम को लगता है आपने कोई गलती नहीं की है तो आपका अकाउंट अनबैन हो जाएगा, नहीं तो आपका अकाउंट कभी भी अनबैन नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब भी कर दें, मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।